आप जैसे मतलब यूट्यूब पर कभी काम किए हो? हाँ, यूट्यूब पर ही मैंने मतलब कॉपी पेस्ट वाला बहुत सारा काम किया है, लेकिन ग्रो नहीं हुआ। अब बात करते हैं फेसबुक से, अभी आपके टोटल आपने कितना कमाया होगा 3 से 4 महीने में? अभी लगभग 1 लाख प्लस हो गया। मेरे दोस्त, सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए पिछले महीने की कमाई $722। कैसे? यहाँ पर आप देख रहे हो केवल एड्स ऑन रील से, मतलब फेसबुक के एड्स ऑन रील से कमाया गया $722, जो कि होता है तकरीबन 50 से 60 हजार के बीच में। कैसे कमाया गया? केवल एक छोटा सा वीडियो बनाकर। आप भी इस वीडियो में सीखोगे कैसे आपको एड्स ऑन रील मिलेगा, कैसे आप फेसबुक से पैसे कमाओगे, कैसे आप फेसबुक वीडियो को रील को वायरल कर सकते हो, इन सब के बारे में जरूर पता चलेगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो भाई, सबसे पहले आप अपने बारे में देखिए, अपना नाम क्या है, आपके पेज का क्या नाम है और आप कहाँ से हो? सर, मैं राजस्थान से हूँ और मेरा नाम वासु है, और अभी के टाइम में मैं फेसबुक पर रील्स डालकर अच्छे खासे पैसे कमा रहा हूँ। अच्छा, तरह से ये बताइए हमको कि जब आप फेसबुक से पैसे नहीं कमाते थे, ठीक है, तो आपकी फैमिली कंडीशन कैसी थी, आपके पिताजी क्या करते हैं और आप क्या करते हो फेसबुक के साथ? मतलब कि मेरे फैमिली कंडीशन इतनी खराब नहीं है, मेरे पिताजी मतलब ठीक ठाक कमा लेते हैं। मैं तो ऐसे ही घर पर ही था, और अभी 12 पास किया उसके बाद घर पर ही था, तो मैंने सोचा मैं भी कुछ ना कुछ काम करूं जिससे थोड़ा बहुत पैसा कमाया जा सके। हाँ, इस तरीके से मैंने फेसबुक पर वीडियो वगैरह अपलोड वगैरह की और सीखना शुरू कर दिया। देखिए, इनकी जो फेसबुक पे रील अपलोड करने का जो टाइमिंग है ना, वो बहुत गजब है। और सबसे बड़ी चीज कि इनकी फेसबुक की जो वीडियो है वो यूनिक है, उससे ज्यादा ये कमेंट पाते हैं, रीच मिलता है और अच्छा खासा पैसे कमाते हैं, क्योंकि इन्होंने अपनी वीडियो में दिमाग लगाया। ऊपर दी गई फोटो को ध्यान से देखो और बताओ, डॉगी, बिल्ली और चूहे, इन तीनों का वजन कितना होगा? सिर्फ कुछ लोग ही इसका सही जवाब दे सकते हैं। अब आपको ऐसा वीडियो मिलेगा कहाँ पर, कैसे आप बना सकते हो, इन सब के बारे में आगे बात करेंगे। भाई, आप जैसे मतलब यूट्यूब पर कभी काम किए हो? हाँ, यूट्यूब पर मैंने मतलब कॉपी पेस्ट वाला बहुत सारा काम किया है, लेकिन ग्रो नहीं हुआ। अक्सर लोग क्या करते हैं, जैसे अगर कोई फेसबुक वीडियो डाल रहा है तो वो फेसबुक पे ही डालता है, कोई अगर यूट्यूब पर वीडियो डाल रहा है तो बंदा यूट्यूब पे ही डालता है। आपको क्या करना है कि आपकी यूट्यूब की वीडियो जो आप यूट्यूब के लिए बना रहे हो वो फेसबुक पे भी डालो, ठीक है, वो इंस्टाग्राम पे भी डालो, मतलब जितने भी सोशल मीडिया है वहाँ सब पर अपनी वीडियो डालो, जबकि चारों तरफ से आपको ऑडियंस मिलेगी। और अगर एक ना चीज ग्रो हुआ तो कोई ना कोई चीज ग्रो ही जाएगी। मान लो अगर यूट्यूब नहीं ग्रो हुआ तो फेसबुक ग्रो हो जाएगा। जैसे इनका यूट्यूब ग्रो नहीं हुआ तो इनका फेसबुक ग्रो हो गया, और आज देखिए फेसबुक से पैसा आ रहा है, मतलब पैसा कमाने से है, ठीक है। ये नहीं कि आप किसी एक चक्कर में बैठे रहो, ठीक है, चारों तरफ से हाथ पर मारते रहो। अच्छा, ये थोड़ा सा ये बताइए, जैसे बहुत सारे लोगों के दिमाग में आता है यार कि फेसबुक पे एड्स ऑन रील मिलता कैसे है, ठीक है, कितना पैसे कमाया जाता है। अच्छा, ये जो आपको मिला $722 जो एड्स ऑन रील मिला, वो टोटल कितने व्यूज पे मिला होगा? लगभग 15 से 20 मिलियन व्यूज पे ये इसने डॉलर बने। 15 से 20 मिलियन व्यूज पर आपको एड्स ऑन रील दिया गया? नहीं नहीं दिया तो पहले गया था, लेकिन ये इतने डॉलर बने 722। मुझे एड्स ऑन रील तो सर मतलब मेरे 5 से 7 हजार फॉलोवर थे तभी मिल चुका था। कितने फॉलोवर पे? 5 से 7 हजार। 5 से 7 हजार फॉलोवर पे मिल गया था। हाँ। अच्छा, लोगों को ये लगता है यार कि एड्स ऑन रील मिलता कैसे है, ठीक है, तो कैसे मिलता है एड्स ऑन रील, कितने फॉलोवर पे रिक्वायरमेंट है या फिर कैसे मिल जाता है रील? देखो, एड्स ऑन रील के लिए कोई भी आपको फॉलोवर वगैरह नहीं चाहिए, उसमें आपको डेली अपनी रील्स अपलोड करनी है, जो कि भले ही आप कॉपी पेस्ट करो या ओरिजिनल करो, फेसबुक को ये लगना चाहिए कि इस बंदे की ओरिजिनल रील है। जैसे कि जिस बंदे की भी आप रील अपलोड करो, उस एक बंदे की डेली रील अपलोड करो। दिन में आप 4 से 5 रील अपलोड कर सकते हैं, जैसे ही आपकी रील वायरल होगी, जैसे ही आपकी मतलब किसी रील पर 1 मिलियन व्यूज आ गए ना, उसके बाद आपको मतलब थोड़े दिनों के अंदर एड्स ऑन रील मिल जाएगा। मतलब अगर मिलियन व्यूज आने लगा, व्यूज बढ़ने लगा वीडियो पे, तो एड्स ऑन रील मिल जाएगा? हाँ, मिल जाएगा। ये बात, बाकी कोई फॉलोवर का रिक्वायरमेंट नहीं है, इतना फॉलोवर होना चाहिए, इतना वॉच टाइम होना चाहिए, इतना व्यूज चाहिए, इतना वगैरह कुछ भी नहीं, एकदम सिंपल सा है। हाँ, सिंपल सा, कुछ भी नहीं। एक दिमाग में आता है, जैसे मान लो आप जो भी अर्निंग कर रहे हो, ठीक है, तो बहुत बढ़िया है, लेकिन जैसे दिमाग में ये आता है कि यार हम एक आईडी, मान लो हमारे पास एक फेसबुक की आईडी है, तो हम एक आईडी से कितने पेज बना सकते हैं? आप एक आईडी से आप जितना चाहो उतना बना सकते हो। तो क्या मोनेटाइज होगा? मान लो जैसे मान लो एक आईडी से हमने एक पेज बनाया, वो मोनेटाइज नहीं हुआ, फिर उसी आईडी से सेम दूसरा पेज बनाया, क्या वो मोनेटाइज होगा? हाँ, हो जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम आएगी। मेरे खुद के एक आईडी से 5-5, 7-7 पेज बने हुए हैं, हर एक आईडी से। मेरे फेसबुक पर बहुत ज्यादा पेज है, लेकिन ग्रो ये एक पेज हुआ है। मैंने बहुत ज्यादा पेज पर काम भी किया है, लेकिन ग्रो सिर्फ ये एक हुआ है। आप जो ये वीडियो डालते हो, वो वीडियो में थोड़ा सा यूनिकनेस ये होता है कि आप ऊपर सा एक इमेज कुछ रख देते हो, बीच में आप उससे क्वेश्चन पूछते हो, तो वो क्या है उसके दिमाग में, उसके बारे में दिमाग में आईडिया कैसे लगा? उसके बारे में क्या है कि मैंने सोचा कि क्या बनाऊं, तो आज से लगभग 2 से 3 साल पहले ऐसे इंस्टाग्राम पर लोग वीडियो बनाया करते थे ना, तो उसी तरीके से मैंने सोचा कि इस तरह की वीडियो फेसबुक पर कोई भी नहीं बनाता है, अगर मैं बनाऊंगा तो ये वीडियो वायरल होगी। ये वीडियो वायरल होने की एक वजह क्या है कि इसमें लोग कमेंट करेंगे, और कमेंट करेंगे तो आपको पता है कि वीडियो का एंगेजमेंट है वो बढ़ेगा, तो उससे 100% वीडियो वायरल होगी होगी। ये बात है आपका। चलिए, अब हमको एक बात बताइए कि अगर मान लो हम अभी रील बनाना शुरू किए, तो रील बनाना शुरू किए तो कितने वीडियो अपलोड करने के बाद या कितने रील अपलोड करने के बाद व्यूज आना शुरू होता है, जब 0 फॉलोवर हो,
तो सर इसका मतलब कोई क्राइटेरिया वगैरह नहीं है कि इतनी वीडियो डालोगे व्यू जाएगा, ऐसा है कि आपको हर रोज वीडियो डालते जाना है। जैसे ही आपकी एक वीडियो चली जाएगी ना वायरल, के बाद सारी आपकी वीडियो वायरल होती जाएगी। मैंने क्या किया, मैं बस सारा रील डाला ठीक है, लेकिन उसमें वायरल नहीं होता था, 500-700 ऐसे व्यू जाते थे। लेकिन जैसे एक वीडियो पर 1 मिलियन व्यू जाए ना, उसके बाद मेरी सारी वीडियो चलने लगी। अच्छा, देखो अक्सर यही होता है ना। देखो मैं सवाल इसलिए पूछा था क्योंकि लोगों को लगता है यार हम कितनी वीडियो डाल रहे हैं, कितने, देखो ये डिपेंड नहीं करता कितनी वीडियो डाल रहे हो, ये डिपेंड करता है कि एक ही वीडियो में क्वालिटी कितना है, एक ही वीडियो को आप इंगेज कैसे करो, ये क्वालिटी है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप क्वांटिटी पे फोकस करने से वायरल नहीं होगे, क्वालिटी के साथ कंटेंट को फोकस करिए, तब जाके आपकी वीडियो भी व्यू जाएगा। चाहे यूट्यूब हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे फेसबुक हो, कोई भी हो, कहीं से भी अगर पैसे कमाना है तो आपको कंटेंट प्लस क्वालिटी पे फोकस करना पड़ेगा। चलिए एक चीज हमको ये बताइए, आप जो अभी फेसबुक पे वर्क करते हो तो टोटल कितना पेज है आपका? अभी मेरे पास सर पेज तो ऐसे बहुत सारे हैं, लेकिन मैं काम अभी 2-3 पेज पर काम करता हूँ। और कमाई कितने पेज से होती है? कमाई एक इसी पेज से हो रही, और अभी दूसरे पेज से भी होने वाली है, लेकिन अभी हाल फिलहाल इसी से हो रही है। अच्छा, अगर मान लो जैसे कोई वीडियो वायरल करना चाहे फेसबुक पे, तो कैसे वायरल करेगा, आपकी तरफ से क्या टिप एंड ट्रिक्स है कुछ? हाँ, उसके लिए एक ट्रिक है, अगर आपको वीडियो वायरल करनी है ना तो आप अपनी वीडियो की लेंथ कम रखो, क्योंकि जैसे ही आपकी वीडियो की लेंथ बड़ी होगी ना तो लोग वीडियो कम देखेंगे, लेकिन अगर आपकी वीडियो की लेंथ कम होगी ना तो लोग उस वीडियो को कम से कम देखेंगे, फिर भी उसमें मतलब एंगेजमेंट ऐसा आएगा। जैसे कि मैं बता दूं, मेरी हर एक वीडियो 5-7 सेकंड की होती है, तो हर एक वीडियो 5-7 सेकंड होती है तो ज्यादा वायरल होती है, और कभी कभी मैं 10-12 सेकंड की वीडियो बनाता हूँ ना तो उसमें व्यूज कम आता है, जो छोटी वाली वीडियो होती है उनके मुकाबले उसमें व्यूज कम आता है, और मेरी हर एक वीडियो 5-7 सेकंड की होती है ना तो लोगों के पास वीडियो जाती है। तो कोई भी न्यू बंदा है जिसके पास मेरी वीडियो जाएगी ना तो वो 2-3 सेकंड तक तो मेरी वीडियो देखेगा, और 2-3 सेकंड उसने देख लिया और 5 सेकंड की मेरी वीडियो थी, 3 सेकंड देख लिया, 2 सेकंड पीछे बसाना, तो मतलब उसमें अच्छा खासा रीच आ चुका है, तो फेसबुक और लोगों के पास वीडियो मेरी भेजेगा। ये बात अच्छा, कोई कीवर्ड वगैरह भी होता है कुछ, कीवर्ड कुछ हैशटैग कुछ ऐसा टिप एंड ट्रिक्स जो कि केवल लोग सीक्रेटली यूज करते हैं? हाँ, कीवर्ड ऐसे कुछ लगाया करो जिससे कि लोग देखकर सोचे कि यहाँ क्या है। जैसे कि आप अपनी वीडियो में कुछ लिख सकते हैं बीच में कुछ भी, जैसे कि ताकि लोग वीडियो में रुके रहे, मतलब वो वीडियो पढ़े, मतलब जो लिखा हुआ है वो पढ़े और वीडियो देखने लग जाए, तो इस तरीके से। और आपको हैशटैग भी लगाना जरूरी है, 4-5 हैशटैग है जो कि मैं लगाता हूँ हर एक वीडियो में, तो आप भी लगाओ तो हो सकता है वायरल हो जाए, जो कि ज्यादा जो हैशटैग लोग ज्यादा यूज कर रहे हैं ना आपकी वीडियो के रिलेटेड, वो हैशटैग जरूर से लगाए ताकि आपके भी व्यूज आने लग जाए। अच्छा, जैसे मान लो एग्जांपल, मान लो मैं मोटिवेशनल वीडियो बना रहा हूँ ठीक, तो मैं कैसे उस कीवर्ड को पता करूँ जो कि मेरे कंटेंट से रिलेटेड हो, आप उसके बारे में कुछ आइडिया दोगे ताकि जो लोग नए हैं वो समझ पाए? हाँ, तो आपका जैसे कि मोटिवेशन वाला वीडियो है तो आप वहाँ पर लिख सकते हैं मोटिवेशनल वीडियो, मतलब जो मोटिवेशन है जो भी रिलेटेड आप लिख सकते हैं मोटिवेश, और भी कुछ लिखते हैं मोटिवेशन लाइफ, ऐसे बहुत सारे हैशटैग होते हैं जो कि आपको सर्च करना इधर उधर से कि क्या क्या हो सकते हैं वो। अच्छा, ये बात है। ये बताइए फेसबुक से एक्चुअली पैसा कैसे कमाया जाता है, मतलब कि जो पैसा है आ जाता है बैंक में, ठीक है, तो कितने दिन, मतलब कि जैसे एग्जांपल में फेसबुक ने 20 तारीख को रिलीज कर दिया ठीक, तो कितना टाइम लगता है बैंक में आने में एक नियर अबाउट, जिससे लोग कंफ्यूजन हो वो भी समझ पाए कि पैसा कैसे कमाता है यूट्यूब से? हाँ, तो बाकी बैंक में तो क्या है 5-7 दिन लगते हैं, लेकिन मेरे जो SBI का बैंक है तो उसमें बहुत ही जल्दी पैसा आ जाता है, मतलब 2-3 दिन के अंदर आ जाता है। अगर फेसबुक ने 21 तारीख को पेमेंट पेड किया ना तो 22 या 23 तारीख को मेरे तो आ जाता है। चलिए अब बात करते हैं, आप जो वीडियो बनाते हो, वीडियो कैसे बनाते हो, क्या खास होती है वीडियो में, आपकी वीडियो का मेन मोटिव क्या होता है? मेरी वीडियो का मतलब होता है कि लोग मतलब ऐसे सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि इसमें मतलब क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, तो वो इस तरीके से सोचते हैं और उसका मतलब आंसर देने की ट्राई करते हैं, भले ही वो आंसर गलत दे सही दे, लेकिन ट्राई करते हैं, तो इसका मतलब वो मतलब आंसर दे रहे हैं तो वीडियो का एंगेजमेंट बढ़ जाता है, इस तरीके से वीडियो वायरल हो जाता है। मतलब वीडियो वायरल करने का मेन टिप अगर ये देखें तो आपको इंस्टाग्राम पे या जिससे हो तो आपको कमेंट कराना है ठीक है, लाइक कराना, सेम यही पैटर्न आपको फेसबुक में भी यूज करना है राइट? आपकी फेसबुक से अभी जो अर्निंग है ठीक है, ये टोटल कितने दिन हो गया, फिर कितने महीने हो गया कमाते हुए आपको? मुझे कमाते हुए सर 3 महीने हो चुके हैं। 3 महीने में आपने टोटल कितना पैसा कमाया होगा? 3 महीने में सर पिछला जो पेआउट आया था वो तो आया था 657 का, और इस बार अब आएगा वो $722 का, और अभी भी इस मंथ की भी काफी मतलब डॉलर हो गया, लगभग $300 इस मंथ के भी हो गए। अच्छा, अभी आपकी अर्निंग घूमना की चल ही रही है फेसबुक से? अच्छा, आपकी तरह कोई वीडियो बनाना चाहते ठीक है, तो जो आप ऊपर इमेज लगाते हो वो इमेज सर्च कैसे करते हो, कहाँ कुछ पाते हो, कोई टिप एंड ट्रिक्स है या फिर आप खुद से दिमाग लगाते हो, क्या है वो? हाँ, इस तरह की इमेज है ना आपको इंस्टाग्राम पर बहुत सारी मिल जाएगी, अगर इंस्टाग्राम पर नहीं मिलती तो एक एप्लीकेशन है शेयर सेट, वहाँ पर इस तरह की बहुत सारी इमेज मिल जाती है, तो आप सिंपली उसको डाउनलोड कर सकते हैं और उस पर कोई भी लोगो वगैरह है वो रिमूव कर सकते हैं, कुछ भी नाम वगैरह नहीं होना चाहिए, और आप उसमें बोल सकते हैं कि इस इमेज में क्या है। तो शेयर चैट में अगर कैसे सर्च करें, कुछ सर्च करना चाहे तो कैसे सर्च करें? मतलब ऐसे पहली वगैरह कुछ भी ऐसे सर्च करना है, दिमाग हिला देने वाले ऐसे कुछ भी मतलब आ जाएगी, एक दो इमेज देखोगे ना तो आपके सामने बहुत सारी इस तरह की इमेज आती जाएगी। कुल मिला के आपको जो क्यूज वाली फोटो है उसको यूज करके
वीडियो के ऊपर लगा देना है और लोगों से सवाल पूछना। तो उससे होगा क्या कि लोग पहले तो उस क्विज को देखेंगे, टाइम जाएगा, फिर वो कमेंट करने जाएंगे तो और टाइम लगेगा, उससे क्या कि आपकी एंगेजमेंट डबल हो जाएगी। हाँ ये बात है। अब बात करते हैं फेसबुक से, अभी आपके टोटल आपने कितना कमाया होगा 3 से 4 महीने में? अभी लगभग 1 लाख प्लस हो गया होगा। 1 लाख रुपए आपने कमा लिया 3-4 महीने में? हाँ। और अभी आपकी अर्निंग बढ़ भी रही है? हाँ बढ़ रही है। ये बात देख लो, जो लोग कहते हैं ये करना चाहते हैं यार वो करना चाहते हैं, हमारे पास इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, हम कैसे अपने कष्ट का निवारण करें। लेकिन अगर आप जिंदगी में कुछ करना चाहते हो, अगर आप जिंदगी में कुछ हासिल करना चाहते हो, तो आपको फोकस करना होगा अपने कंटेंट पे, अपने क्वालिटी पे, अपने सोचने के तरीके पे। तो अब बात करते हैं आपकी मंथली अर्निंग कितना हो जाती है टोटल मिला के? मंथ की अर्निंग सर कभी कभी 40,000 होता है, कभी कभी 50,000 होता है, कभी 60 भी हो जाता है। जिस तरीके से व्यूज आते हैं उस तरीके से अर्निंग हो जाता है, लेकिन अच्छा खासा हो जाता है रील्स से भी। अच्छा, जो आपका पूरा ये आता है ये रुपीज में होता है या फिर डॉलर में होता है? सर फेसबुक से डॉलर में होता है, उसके बाद कन्वर्ट होकर हमारे बैंक में आता है तो रुपए में INR में हो जाता है। चलिए, तो आई होप देखो इन्होंने कितना गजब तरीका लगाया, कोई भी एक माइंड को हिलाने वाला है, फिर सॉल्विंग क्विज को इन्होंने अपने वीडियो के ऊपर लगाया, जिसे देखकर लोग रुके कमेंट करें कि वीडियो में इंगेज हुआ और वो वीडियो वायरल हुई और आप उस वीडियो से अच्छा खासा पैसा कमाते हैं। तो अगर आपको भी पैसा कमाना है तो जो भी सारी चीजें थी इंपॉर्टेंट ये इन्होंने बता दिया, ठीक है। यहाँ तक ये भी बता दिया कि इमेज लेते कहाँ से, अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि मेहनत करो या फिर आप फालतू का ऐसे ही बैठकर दूसरों की वीडियो में जाकर उल्टा पुल्टा कमेंट करो। आप सीखो, पॉडकास्ट देखो, आपको नए नए चीज देखने को मिलेंगे, लेकिन उसके साथ आपको क्या करना है कि काम भी करना है, ठीक है। तो आई होप इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। थैंक यू सो मच वासु भाई, आपने अपना समय दिया, ठीक है, और हमारे लोगों को सिखाया। थैंक यू सर, आपको भी। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, इनके पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बहुत बहुत धन्यवाद।